यूज़फुल टिप्स के साथ स्मार्टली काम करने का मज़ा सबको आता है। जी हाँ, आज भी मैं हाजिर हो चुकी हूँ कुछ कुछ यूज़फुल टिप्स लेकर के। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर हमारे घर में सब्जी आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही सब्जी सड़ने लगता है, मुरझाने लगता है। तो देखिए, ये टमाटर और परवल और बैंगन थोड़ा सा मुरझा गया है। अब हमें क्या करना है? तो थोड़ा सा मैं गुनगुना पानी लूँगी, गर्म पानी नहीं। गर्म पानी डालने से फिर सब्जी पकने लगेगा, तो ध्यान रखिए इस बात का। और अब इस गुनगुना पानी में हम आधा नींबू का रस को निचोड़ लेंगे, और उसके बाद हमारी जो सब्जी मुरझाने लगी है, सड़ने लगी है, सभी सब्जी को हम इस तरीके से पानी में डुबो के रखेंगे आधा से पौने एक घंटा के लिए। आप सब्जी बनाने के पहले भी इस टिप्स को अपना सकते हैं, ये बहुत ही असरदार टिप्स है। और आधा या पौने एक घंटे के बाद देख के आप खुद ही बोलेंगे कि वाह भाई वाह, सब्जी तो कितना बेहतर हो चुकी है और एकदम से फ्रेशनेस फील भी देगा। तो ज़रूर से आप लोग इस टिप्स को फॉलो करना। लहसुन को स्टोर करके अच्छे से नहीं रखते हैं, जिस वजह से लहसुन सड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है। मार्केट से हम बहुत सारा अदरक लहसुन तो मंगा लेते हैं, बट उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ये सड़ने लगता है। देखिए, ये वाले लहसुन सड़ना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम कैसे स्टोर करके रखें ताकि ये सड़े ना। तो यहाँ पर देखिए, लोहे की तवा मैंने ले लिया है और उसको गर्म कर लिया है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, नमक में देखिए, ये लौंग है, तो नमक में मैं ना हमेशा लौंग डाल के रखती हूँ ताकि सीलन ना आए नमक में। ये बहुत ही अच्छा टिप्स है। तो अभी नमक का ना थोड़ा सा हम गरम कर लेंगे, थोड़ा सा आधा सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। इसको पकाना नहीं है, इसका कलर भी चेंज नहीं करना है। जस्ट नमक का जो एक नमी होता है ना, जो मॉइस्चर होता है, उसको ड्राई करने के लिए इस तरीके से हम थोड़ा सा चला लेंगे। और अब लहसुन को स्टोर करने के लिए मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, तो इसी कंटेनर में हम नमक को ना डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, नमक को इस कंटेनर में डालना है। तो नमक ना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा गर्म नहीं किया है, जो इसका मॉइस्चर रहता है बस उसको ही ड्राई कर लिया है। तो इस तरीके से हम देखिए एयर टाइट कंटेनर में नमक को डाल दिया है। अभी जो लहसुन है ना, लहसुन का जो धागा धागा टाइप का रहता है ना, उस साइड को इसे इस तरीके से उल्टा के रखेंगे, थोड़ा सा नमक में डिप करके रखेंगे हो सके तो। तो इस तरीके से आप लहसुन को रखेंगे तो आपका लहसुन ना बहुत दिन तक अच्छा रहेगा। तो मार्केट से आप बहुत सारा लहसुन मंगा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से स्टोर करके रखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। और अब जो टिप्स दिखाने जा रही हूँ, ये टिप्स बहुत ही असरदार और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके घर में जैम जेली का इस तरीके का कंटेनर रीयूज़ होता ही है। तो ये बी प्रोटीन का कंटेनर है, जो बी प्रोटीन ख़त्म हो गया है, अब मुझे इसको रीयूज़ करना है, इसमें कुछ सामान रखना है। बट एक प्रॉब्लम इसमें आ जाती है, इसका फ्लेवर रह जाता है। बी प्रोटीन तो ख़त्म हो चुका है, बट इसका फ्लेवर रह गया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया है, बट स्मेल इसमें है। तो अब इसमें हम अचार रखेंगे, तो फिर अचार में वो बी प्रोटीन का जो स्मेल है ना, वो आ जाएगा। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो इसके लिए जो टिप्स है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक मैचिस, और मैचिस से दो स्टिक मैं निकाल लूँगी, दो स्टिक निकाल के मैं मैचिस को जला लूँगी, ठीक है, इस तरीके से। अभी जो कंटेनर है, कंटेनर में हम मैचिस का आग को इस तरीके से कुछ देर तक दिखाएंगे। दिखाने के बाद हम इस आग को बुझा देंगे। बुझाने के बाद जो धुआँ निकलेगा, यही धुआँ बहुत काम आएगा। अभी लिड को बंद कर देना है। लिड को बंद करने के बाद कुछ देरों के लिए इस तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि कंटेनर में इस तरीके से धुआं देने के वजह से जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर स्मेल रहता है, वो 100% रिमूव हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब इसमें हम आराम से अचार या कोई सा भी चीज़ मुझे रखना है, मैं आराम से रख सकती हूँ, कोई भी फ्लेवर इसमें नहीं रहेगा। तो ज़रूर से इस टिप्स को फॉलो करना। उम्मीद है कि ये टिप्स भी पसंद आया है। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो गुड़ रखा रहता है, तो उसमें कभी कभार कीड़ा लग जाता है, क्योंकि मीठा चीज़ में कीड़ा बहुत जल्दी लगता है। शक्कर हो गया, गुड़ हो गया, ये सब चीज़ में कीड़ा लगना ना मामूली बात है। तो इसलिए हम इसमें ना कुछ लौंग डाल के रखेंगे। देखिए, इस तरीके से कुछ लौंग ले लिया है, अभी हम गुड़ में डाल दिया है। और यहाँ पे आपको एयरटाइट कंटेनर ही लेना है। तो इस तरीके से लौंग डाल के एयरटाइट कंटेनर में अगर आप गुड़ को रखेंगे, तो आपका गुड़ लंबा समय तक फ्रेश रहेगा, इसमें कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा।
उम्मीद है कि आप लोग को ये टिप्स बहुत ही पसंद आया है। और चिंता मत कीजिए कि इसमें लौंग का फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए, ऐसा वाइट कलर का ईयरफोन पावर बैंक चार्जर तो हमारे घर में रहता ही है, बट इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और इलेक्ट्रिक चीज़ों को हम पानी से धो के क्लीन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं जो टिप्स अपनाई हूँ वो है कोलगेट। कोलगेट से बहुत अच्छा अच्छा क्लीन होता है। इसके ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बना के रखा है मेरे चैनल पर, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर में कोलगेट ले लिया है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही कोलगेट लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ही चाहिए, थोड़ा सा ही में ही ये काम चल जाएगा। तो देखिए, टिश्यू पेपर में इस तरीके से लगा के हेडफोन को इस तरीके से खींच खींच के मैं क्लीन कर रही हूँ। इससे ना बहुत अच्छा क्लीनिंग होता है इस तरीके से। और इसको पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पानी से वाइप करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्लीन करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा क्योंकि वाइट कलर का चीज़ बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और इसको क्लीन करना भी बहुत मुश्किल होता है। फिर ये गंदा हो जाता है ना तो इसको मतलब यूज़ करने का मन नहीं करता है। तो आप इस टिप्स को फॉलो करके इसको इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लगभग मेरा क्लीन हो ही चुका है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ईयरफोन एकदम से क्लीन हो चुका है, एकदम वाइट हो गया है। उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोग को बहुत पसंद आया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स देखिए, रेगुलर यूज़ का जो जूता चप्पल होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगता है क्योंकि उसको बार बार हम यूज़ करते हैं और ज़्यादा दिन उसको यूज़ करने के बाद ना ये चीज़ होता है। तो कुछ देरों के लिए हम ना धूप में रखेंगे, 3 से 4 घंटा के लिए इस तरीके से धूप में रखने से उसमें से जो बैड स्मेल और मॉइस्चर रहता है वो क्लीन हो जाता है। तो इस टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करना। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग हमेशा मतलब मिडिल में ऐसा करते रहना। ये मेरा किचन का सिंक है, तो सिंक को तो हम हमेशा क्लीन करते ही रहते हैं, बट फिर भी इसमें से एक बैड स्मेल आता है। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है नेप्थोलिन का 2 गोली। तो इसको इस तरीके से हम रखेंगे तो इससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो बैड स्मेल रिमूव हो जाएगा, बहुत अच्छा एक स्मेल आने लगेगा। और दूसरा है, कॉकरोच वगैरह सिंक का जो पाइप से कॉकरोच कीड़ा वगैरह आता है वो नहीं आएगा। तो इस टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करना। और हमेशा मैं इस तरीके से रात के टाइम जब किचन को मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्लीन करने के बाद ना इस तरीके से मैं 2 नेप्थोलिन का जो गोली है ना उसको इस तरीके से रख देती हूँ, इसे कॉकरोच वगैरह कीड़ा वगैरह आता नहीं है। ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मुलाकात होगी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।